तो दोस्तों आज के मैच में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट में तीन प्लेयर हम बच जाते हैं और तीनों आपस में फाइट करके तीनों मर जाते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता कि आखिर चिकन डिनर हुआ किसका है। तो जैसे ही हम ओल्ड बेसिन में उतरते हैं तो सबसे पहले मैं गन ढूंढने के लिए भागता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई भी गन मिल जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार टीम और उतर चुकी थी जो आपस में फाइट कर रही थी। तो जो भी मेरे साथ के कॉमन जो फ्रेंड थे यहाँ पे, जिन्हें मैं जानता नहीं था, बट जहाँ तक मुझे फील हुआ ये कि बोट टाइप के प्लेयर हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और जैसे ही मुझे गन मिलती है और थोड़ी देर में मैं दो चार बंदे मारता हूँ, तो उतने में ये मेरे तीनों जो टीम मेट हैं वो निपट जाते हैं, तीनों मर जाते। तो उसके बाद मैं जैसे ही गन उठा के अपनी जो प्लेयर्स को ढूंढ रहा था मारने के लिए, जो भी एनिमीज थे, तो ये एक बोट किस्म का जो मेरा ही पार्टनर था बार बार बीच में आ रहा था और जो भी मैं लूटना चाह रहा था वो लूट के ले जा रहा था। मन तो कर रहा था इसको साले को ही बम से उड़ा दूँ, बट चलो खेलने दो, थोड़ी देर ही खेलेंगे बेचारे। तो जैसे मैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो मुझे थैम्पसन मिल जाती है, और जिससे मैं काफ़ी किल करने वाला हूँ। दोस्तों आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जिस हिसाब से मैं किल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं छत पे आता हूँ तो मेरा टीममेट है जो एक बोट के हाथों मारा जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं इसको रिवाइव देने भी नहीं जाता कि मरने दो उसको सामने। तो जैसे ही मैं वहाँ से जंप करता हूँ तो मुझे ऊपर बिल्डिंग पे एक बंदा दिख जाता है और मैं उसका शिकार करने के लिए आगे चलता हूँ। तो जैसे ही मैं निशाना लगाता हूँ तो निशाना चूक जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही वो मेरी तरफ देखता है तो मैं शूट करता हूँ, और शूट करने के बाद है जो कि निशाना चूक जाता है, बट मैं सीधा रश करने की कोशिश करता हूँ, अंदर जाता हूँ, तभी मुझे साउंड की आवाज़ आती है कि वो नीचे कूद गया है। और जैसे ही वो नीचे कूदता है मेरी जो नज़र होती है उसकी साइड उसकी फुट स्टेप की तरफ होती है कि वो मेरे सामने से निकल जाता है। मैं सामने जैसे देख रहा था कि अगर गया किधर, तो वो राइट साइड से भाग रहा होता और मैं इससे रश कर देता हूँ। दोस्तों इस टाइम मैंने इसको काफ़ी डैमेज दे दिया है, पर ये नॉक नहीं हुआ। बट इसके बाद मुझे पता नहीं चलता बाहर गया या ऊपर गया, इसलिए मैं सबसे पहले इधर चेक करता हूँ कि इधर भी नहीं है। फिर मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ, शायद ऊपर आपने बैंडेज लगा रहा होगा, अपना जो रिकवर कर रहा होगा जो भी डैमेज मैंने दिया है, पर यहाँ पर भी मुझे नहीं मिलता। तो सारे घर में चेक करने के बाद मैं ऊपर बालकनी में आ जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि आखिर गया कहाँ, तो मुझे घर के अंदर आने के फुट स्टेप की आवाज़ आती है, तो मैं यहीं पे वेट करना पसंद करता हूँ। तो वेट करता हूँ थोड़ी देर दोस्तों यहाँ पे मैं, तो थोड़ी देर में ही जो जिसको मैंने अभी डैमेज दिया था, एक तो उधर जा रहा था उसका टीम मेट था दोस्तों ये, जिसको मैंने डैमेज दिया था वो अब यहाँ से अंदर आएगा। और इस टाइम मेरा थोड़ा सा फोन हैंग हो जाता है, बट मैं अच्छे से उसको कवर नहीं कर पाता, बट फिर भी इसको काफ़ी डैमेज दे देता हूँ। जैसे इस बंदे को लगता है कि काफ़ी डैमेज हो गया तो ये कूद जाता है और मैं इसके पीछे भाग लेता हूँ। और सोचता हूँ भागे कहाँ, इतना डैमेज दे दिया तो यार फिर से रिकवर करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। और जैसे ही इसको शूट करता हूँ तो ये नॉक हो जाता है, और जल्दी ही मैं थैम्पसन के साथ इसको जो उसके हगनी कुंड पे जो फायर करके उसको मार देता हूँ। और यहाँ से इससे मुझे मिलते क्या है कि M4 मुझसे मिल जाती है, और मुझे शर्म आती है ऐसे इंसान पर जिसके पास M4 होते हुए भी ये किसी एनिमी को किल नहीं कर पाता। अब एनिमी के साथ देखना अब कितना डिस्ट्रॉय होने वाला है, कितने एनिमीज मरने वाले हैं। M4 यार बहुत ही घातक गन है, अराउंड जहाँ तक मैंने अपनी पबजी खेली है यहाँ सबसे बेस्ट जो M4 लगती है। M4 तो जब M4 हाथ में होती है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है जो सातवें आसमान पर पहुँच जाता है, और हम एबल हो जाते हैं कि हाँ चाहे पूरी की पूरी स्कोर आ जाए उसको भी हम निपटा सकते हैं। तो जैसे ही मैं स्कोर का एक बंदा तो मैं निपटा चुका था, और बाकी के तीन बंदे मुझे फुट स्टेप दिखाई दे रहे थे कि इस घर से आ रहे हैं। पहले मैं घर की बैक साइड चेक करता हूँ तो फिर मुझे दिखता है कि लूट कर रहा है, तो मैं उसको वहीं पे डैमेज करके छोड़ देता हूँ। मुझे पता था कि जो ऊपर गया वो उसको रिवाइव देने ज़रूर आएगा, और मैं उसके यहाँ पे वेट करता हूँ। पीछे से मैंने खिड़की से वो दिख जाता है आता है रिवाइव देने, और मैं उससे रश कर देता हूँ। तो उसको काफ़ी डैमेज ऑलरेडी मैंने दे चुका है, पर जैसे ही वो हील करने की कोशिश करता है मैं उस पर फिर से डैमेज देता हूँ, उसका सिर ही सिर पे वार करता हूँ और वो नॉक कर देता हूँ। तो फिर यहाँ से अच्छी खासी लूट करके मैं इस घर से निकल जाता हूँ, और फिर अपनी मैं बग्घी उठाता हूँ और बग्घी में चेक करता हूँ कि अब ड्रॉप किस साइड गिर रहा है। तो मैं सोचता हूँ अब M4 साथ में और थैम्पसन साथ में तो थोड़ा एग्रेसिव खेला जाए। तो जैसे ही मुझे ड्रॉप दिखता है कि उस साइड गिर रहा है, तो मैं अपनी बग्घी को घुमा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कबीर सिंह मूवी का गाना लगा के पूरी कबीर सिंह वाली फीलिंग लेके हम अपने दुश्मनों को मारने निकल पड़ते हैं। और जैसे ही मैं अपने इस सॉन्ग को सुनता हुआ अपनी बग्घी में जा रहा होता हूँ, तो सामने गंगा पार करनी होती है। तो गंगा पार करने के लिए मैंने यहाँ पर जंप ली सबसे पहले, जंप लेते ही गंगा की दूसरी साइड मैं क्रॉस कर गया, तो जैसे ही गंगा में मुझे एक आदमी तैरता हुआ दिखाई दिया, तो उस आदमी को मारने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके फूल हैं जो जिसकी अस्थियाँ गंगा में ही यहीं पे विसर्जित कर दिए गए।
तो मैंने इसको मारा और यहीं पे आसानी से इसको विसर्जित कर दिया, फालतू का खर्चा इसका बचा लिया गंगा हरिद्वार जाने का। वैसे ही मैं सर्कल में पहुंचता हूँ तो मुझे एक टीम की जो फाइट करने की आवाज़ आ रही थी गोलियों की आवाज़, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक देखने वाली बात है, इस बंदे को मैं अपनी गाड़ी से नॉक कर देता हूँ, आपने देखा यहाँ पे। बट मैंने यह दोस्तों ये है बंदा, मैंने सारी जगह घूम लिया, सारी जगह देख लिया, पर ये नॉक किया हुआ बंदा नहीं मिला और ना ही इसका मुझे किल मिला। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या, इसका किल क्यों नहीं मिला और ये जो भी बंदा था ये गया कहाँ। क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद मैंने मुझे नोटिस होता है कि पीछे से फुट स्टेप की आवाज़ आ रही होती है, तो इस टाइम मुझे लगता है कि इस घर से आवाज़ आ रही है, तो मैं सीधा अंदर रश करने के लिए चला जाता हूँ। पर इस घर में आके मुझे पता चलता है कि दो टीम मेट है, दो प्लेयर है एक टीम के, वो पीछे वाले घर में जो कि वो कैंप करके बैठे हैं। और उसके अलावा जो पीछे से भी गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी, पर जो मेरे पास थे उनको मैं जैसे ही फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ मैं ऊपर से अगर उनको निशाना लगा सकूँ तो। बट ऊपर से एक तो रेड जोन आया हुआ था, मुझे डर था कि कहीं मेरे ऊपर ही कोई बॉम्ब ना गिर जाए और मैं वहीं पे ना कहीं ग्रेट बन जाऊँ। तो सामने मुझे एक बंदा नोटिस हो जाता है रेड बिल्डिंग पे, पर ये दो बंदे होते हैं एटलीस्ट, एक तो नीचे कूद जाता है जो मेरी तरफ आ रहा होता है, दूसरा वहाँ पे मेरे पास मेरे ऊपर स्कोप लगा के खड़ा होता है कि कब ये बाहर अपने से निकालेगा। बट उससे पहले कि मैं उसको ही शूट कर देता हूँ और नॉक कर देता हूँ। तो दूसरा बंदा भी मुझे शो नहीं हो रहा था, बट ये श्योर था कि वो सामने खड़ा था, पर उसको मैं निशाना नहीं लगा सकता था, मुझे डर था कि कहीं ऊपर वाला बंदा जो हिल कर रहा होगा अपने आप को। तो यहाँ पे मुझे हेड शॉट होने का डर था, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि हाँ ये जो भी बंदे थे ये मेरे पास आएंगे और मैं इनको आसानी से रश करके किल करूँ। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं अपना सबसे पहले स्कोप चेंज कर रहा हूँ, रेड डॉट स्कोप लगाता हूँ। दोस्तों अगर किसी पर रश करना हो कोई ऊपर आ रहा है तो रेड डॉट सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम 3 या 4x का जो स्कोप लगाएंगे तो वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। इसके बाद जैसे ही मुझे दिखता है कि उनमें से एक बंदा है जो वो सामने वाले घर में चला गया, पर मैं उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ बट मुझे सही एंगल सब मिल नहीं पा रहा था। तो मैं वेट करता हूँ कि ऊपर आने दो उसको फिर ही किल करेंगे। मुझे राइट साइड से जो AWM चलने की आवाज़ आती है, तो मैं दरवाज़ा लॉक करके यहीं पर बैठना पसंद करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर वेट करता हूँ तो वो ग्रेनेड करता हूँ और अच्छा खासा डैमेज मुझे दे देता है, बट मैं बच जाता हूँ और अच्छे से हील करके। दोस्तों काफ़ी हाई लेवल के गेम खेल रहा था ये जो भी बंदा था, और उसने लगातार 3 या 4 ग्रेनेड मेरे ऊपर करे, बट मैं बाई चांस बच गया। तो मैंने कोई मूवमेंट नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये ऊपर आएगा तो ऊपर से ही इसको डैमेज देने की कोशिश करूँगा और इस पर रश करने की कोशिश करूँगा। तो ये 3-4 ग्रेनेड करता है, उसके बाद जैसे मुझे फुटमार्क इसके दिखते हैं फुट स्टेप, तो ये मुझे पहले तो लगता है कि अंदर आ रहा है, बट ये जाके वहीं पर छुप जाता है। तो अब मुझे फील हो जाता है कि ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो मुझे राइट साइड से जाके घूम के ऊपर से इस पर रश करना होगा। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद ऊपर आइए, तो इतना वेट हमारे बीच में नहीं है ना दोस्तों, हम पंजाबी हैं तो सीधा मारने की या मरने की ठान लेते हैं। तो 1-2 मिनट देख के कि हाँ अब आएगा आएगा, तो मैं अपने आप ही कूद जाता हूँ। पर काफ़ी वेट करने के बाद मेरी समर की सीमा जो टूट गई और मेरी जो हेल्थ थी वो इस ब्लू जोन ने लूट ली। ओके दोस्तों, तो इसके बाद मैं सोचता हूँ कि चल देखी जाएगी, सीधा जाके हम रस करते हैं। तो थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद फुट स्टेप देने के बाद तो मैं यहाँ से जंप करता हूँ, और जंप करने के बाद वो सोचता है कि लेफ्ट साइड से आएगा और मैं राइट साइड से जाता हूँ, और जैसे ही राइट साइड से जाता हूँ सामने बंदा छुपा हुआ मिल जाता है। और इतना वेट कराने के बाद मुझे गुस्सा आता है और पूरी की पूरी एम4 की जूनियर को पेल देता हूँ। तो पहले मैं सोचता हूँ चल अपने आप जोन में मर जाएगा ये, बट फिर सोचता हूँ कहीं को इसका पार्टनर हो वो रिवाइव देके फिर मेरे लिए भारी ना पड़ जाए। तो मैं यहाँ पे घुमाता फिरता है, मुझे ये काफ़ी गुस्सा दिलाता है, पर मैं इसके बिल्कुल सही हगरी गुंड पे गोली मारता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम गाने सुनते जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो जाते हैं जैसे ही वहाँ पे ड्रॉप गिरा होता है, तुम्हारा भाई सीधा ड्रॉप के पास जहाँ पे एक टीम कैंप करके बैठी थी सीधा उनके बीच में गाड़ी जाके ठोक देती है। तो उनको लगता है कि मुर्गा फंस गया, बट ये नहीं पता ये शेर था, ये शेर का शिकार करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही मैं अपने फिल्मी अंदाज से गाड़ी पार्क करता हूँ तो एक बंदा आता है, मुझे अच्छे से ये सोचता है कि हाँ इसके साथ पेल दूंगा, गाड़ी से उतरेगा इतने में तो उतरे में पेल दूंगा। बट हैमसन के आगे कहाँ टिक पाया इसका, मैंने सिर पर फायर किया और इसको नॉक कर दिया। मैं अपनी किल कन्फर्म कर लेता हूँ और किल कर
किल कन्फर्म करने के बाद जो कि मैं अपना हीलिंग वगैरह करता हूँ, अपनी गन रिलोड करता हूँ, और जैसे कि इसके तीनों जो आदमी थे, जो भी तीनों इसके पार्टनर थे, मेरे इस घर के आसपास घूम रहे थे ताकि मैं कब निकलूँ और कब मुझे शूट करूँ। बट मैं थोड़ा वेट करना ठीक समझता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरे रेड जो भी ये फुट स्टेप हैं घर के आसपास घूम रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं निकल जाता तो श्योर मैं पक्का यहाँ पे स्वर्ग सिधार जाता। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद, अपनी गन रिलोड करने के बाद और हीलिंग करने के बाद, तो थोड़ी देर वेट कर ली जितनी करनी थी। यू नो तुझे, आपको पता ही होता है कि कितनी वेट कर सकता हूँ मैं। तो निकल जाता हूँ मैं, और जैसे ही निकलता हूँ सबसे पहले मैं बंदे की जो भी कहाँ पे है ये नोटिस करता हूँ कि है। फाइनली मुझे जैसे ही इस दीवार को मैं कवर लेता हूँ, वो सामने एक बंदा दिख जाता है जो लूट कर रहा होता है। सबसे पहले मैं उसको अच्छा निशाना लगाता हूँ और किल कर देता हूँ। जैसे ही किल करता हूँ और मैं बंदे देख रहा हूँ, उसके दो टीम मेट और सामने आ जाते हैं और दोनों मुझे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले होते हैं कि दोनों कुछ पे देता हूँ यहाँ पे, बट फिर तीनों मर जाते हैं और गेम का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट में करके कि आखिर हुआ क्या ये, और चिकन डिनर किसे मिला।